तो जी आज ना एक बात क्लियर कर देते हैं कि बजट में ट्रैवल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसे के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा चलाना पड़ता है, और कुछ चीजें अगर आपने सीख ली तो आप सिर्फ इंडिया ही नहीं, कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में आराम से इन सारी चीजों को अप्लाई करके अपनी जो ट्रिप्स है उनको यादगार भी बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। और आज हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद येट अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि गोवा का ट्रिप आप बजट में कैसे प्लान कर सकते हो, और उसके साथ साथ कुछ दो तीन ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपको बजट ट्रैवल ना सिर्फ गोवा के लिए, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जा रहे हैं ट्रैवलिंग में इन शॉर्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये तीन चार पॉइंट जो कि मैं बताने वाली हूँ आपको, वो आपको अपकमिंग ट्रैवल के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे गोवा ट्रिप, जो कि ऑब्वियसली ये सीजन होता है जिसमें लोग मोस्टली गोवा विजिट करते हैं न्यू ईयर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये पीक टाइम होता है, सीजन होता है गोवा के लिए। और इस टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन। नाउ इसके लिए मैं आपको ट्रेन, रोड ट्रिप, इसका खर्चा नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना चाहते हो। मैं बजट में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, शेयरिंग कैब्स, ट्रेन, ये ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि फ्लाइट के टिकट्स ऑब्वियसली एज कंपेयर टू ट्रेन के टिकट्स महंगी ही होती है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ मुझे गोवा जाना है तो मैं दिल्ली से गोवा की अगर ट्रेन सर्च करती हूँ तो मुझे थर्ड एसी में समवेयर अराउंड 2,500 से 3,000 रुपए की टिकट मिलती है, जो कि नियर टू फ्लाइट टिकट्स हो जाती है, क्योंकि 4,000 तक में तो मुझे फ्लाइट की भी टिकट मिल जाएगी अगर मैं इन ट्रिक्स को यूज करूंगी। अब वो ट्रिक्स कौन सी है जिसमें मुझे फ्लाइट की टिकट सस्ती मिल जाती है और 4,000 से 4,500 के बीच में मैं इंडिया में कहीं पर भी अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकती हूँ, और इन्हीं ट्रिक्स के बारे में मैं बात कर रही थी जो कि आप अप्लाई कर सकते हो व्हेनेवर यू आर बुकिंग फ्लाइट टिकट। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करने के लिए, आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 20 दिन से पहले, लाइक 15 से 20 दिन पहले आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, क्योंकि जैसे जैसे डेज पास आते जाते हैं टिकट्स के रेट जो है वो बढ़ते जाते हैं, ये हम सबको पता है, राइट। और आपको जो दूसरी चीज करनी है वो ये करनी है कि आपको सारे बुकिंग इंजन्स लाइक GoIBIBO, MakeMyTrip, Booking.com, जो भी है बुकिंग इंजन्स, इसमें आप अलग अलग एक बार चेक कर लो। रेट चेक करने से पहले ये चेक करो कि किसमें सबसे अच्छा डिस्काउंट या फिर ऑफर चल रहा है। पहले आप ऑफर देख लोगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन से बुकिंग इंजन में अच्छा ऑफर है। दूसरी चीज जो कि आपको हेल्प कर सकती है चीप फ्लाइट बुकिंग में, वो कि आपका क्रेडिट कार्ड। कई बार ये होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड, कुछ डेबिट कार्ड, उसके थ्रू अगर आप उसे पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक मिल जाता है, विच इज ऑल्सो अ डिस्काउंट थिंग, जो कि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास कार्ड्स होते हुए भी हम उसे ध्यान नहीं देते हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच हेल्प्स यू अलॉट। आपको उसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं, आपको माइल्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि आपको फ्यूचर में और टिकट बुक करने में भी हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया दूसरा टिप। थर्ड टिप, आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हो, ट्राई टू बुक फॉर वीक डेज इंस्टीड ऑफ बुकिंग योर फ्लाइट ऑन वीकेंड्स। आप अगर वीकडे की फ्लाइट सर्च करोगे उसका रेट हमेशा कम आएगा वीकेंड के कंपैरिजन में। नाउ अगर आप मुझे बोलोगे हिमानी आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे लिए तो वीकेंड पे ही ट्रैवल करना ज्यादा सही होता है, तो वीकेंड पे ही अगर आपको ट्रैवल करना है तो स्किप शाम वाली फ्लाइट या फिर सुबह वाली फ्लाइट, क्योंकि ये दोनों जो फ्लाइट का टाइम होता है वो उस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और ये दो टाइम की जो फ्लाइट्स होगी इनका रेट्स आप देखोगे हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। तो ट्राई टू चूज या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग 3-4-5 बजे वाली फ्लाइट, या फिर आप आफ्टरनून की सर्च कर लो। तो टाइमिंग और डेज भी बहुत मैटर करते हैं व्हेन यू आर बुकिंग डोमेस्टिक फ्लाइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सारी मेजर इम्पैक्ट डालती है आपके एक अमाउंट में जब आप अपनी फाइनल टिकट बुक करोगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मिला जुला के आपके प्राइस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बात, और गोवा के लिए अगर मैं बात करूं तो इंडिया के आप किसी भी पार्ट से ट्रैवल कर रहे हो पहले चेक कर लो कि ट्रेन की अवेलेबल
अवेलेबिलिटी कैसी है, ऑलवेज चूज ट्रेन ओवर फ्लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो ठीक रेट में ही पड़ेगी ट्रेन के टिकट्स, तो मैं आपको वो ही सजेस्ट करूंगी। ओके जी, तो अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। नाउ मैं हमेशा, जैसे कि आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस जो भी बजट ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे, हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऑलवेज चूज हॉस्टल ओवर होटल और रिजॉर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल और रिजॉर्ट को रिसर्च ही ना करो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप 3-4 फ्रेंड्स हो, आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑलवेज लुक फॉर रिजॉर्ट्स या फिर ऐसे विलास जो कि एयरबीएनबी पे अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हॉस्टल में रुक रहे हो तो आपको पर पर्सन तो पड़ रहा है 500 रुपए पर नाइट, एक एवरेज निकालते हैं। हॉस्टल के कॉस्ट में यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी कि गोवा में यूजुअली 300-400 रुपए से लेकर 500-600-700 ऑन एंड ऑन आपको पर पर्सन डोमेट्री में बेड मिल जाता है, विच इज चीप। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो और आपको थोड़ा सा प्रिवेसी चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, फैमिली के साथ आप जा रहे हो, तो आपको जरूर देखना चाहिए एयरबीएनबी या फिर रिजॉर्ट्स लाइक हिल्टन, मैरियट, हॉलीडे इन, ये तरीके के जो स्टार प्रॉपर्टीज हैं, इनमें भी आपको जो है अच्छे खासे रेट में 3,500-4,000 में भी कई बार रूम मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगेन डिपेंड करते हैं ये होटल्स, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो booking.com में, GoIBIBO, जहां पर भी आप देखना चाहते हो वहां पर आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो दीज थ्री आर द ऑप्शंस फॉर अकोमोडेशन, जो कि पहले भी मैं एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुकी हूं, तो आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहां कार्ट में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, यू कैन चेक द वीडियो आउट फॉर द सेम। अब बात करते हैं दूसरे टिप के बारे में। तो जैसा कि मैंने फ्लाइट्स के लिए बोला, वीकेंड पे बहुत ज्यादा प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं एज कंपेयर टू वीक डेज, तो यही चीज ना होटल के लिए भी लागू होती है, क्योंकि होटल्स में ऑब्वियसली जो फैमिली होती है, जो जॉब वाले लोग होते हैं, वो वीकेंड पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको वीक डेज में होटल के रेट, फॉर एग्जाम्पल मैरियट का रेट आप वीकेंड से वीकडे में कंपेयर करोगे तो आपको वो कम ही होगा। तो इफ यू हैव लीव्स, आपके पास अपने ऑफिस की लीव आपने बचा कर रखी है फॉर हॉलीडे सीजन, और आपके पास कुछ छुट्टियां हैं और आप कभी भी वीक में ऑफ ले सकते हो और घूमने जा सकते हो, तो मुझे लगता है वीक डेज में कहीं पे भी ट्रैवल करना ना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मैं एज अ ट्रैवलर हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे लोग ज्यादा ना हो, और वीकेंड पे ये हमेशा होता है क्योंकि लोकल्स जो होते हैं उस जगह के वो भी घूमने निकलते हैं, और टूरिस्ट जो आए हुए होते हैं बाहर से वो भी घूमने आते हैं, और इन दोनों को मिला के बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है हर वो प्लेस जो भी टूरिस्टी होता है। तो आई ऑलवेज चूज कि मैं वीकडे पे कहीं पर ट्रैवल करूं, ताकि ना मुझे भीड़ थोड़ी सी कम मिले और मैं सुकून से अपने पिक्चर्स ले पाऊं, वीडियो ले पाऊं, और मुझे लोग ही लोग ना दिखाई दे उस जगह में। एंड दिस थिंग ब्रिंग मी टू द थर्ड ट्रिक और टिप, वॉट एवर यू कैन से, उसके लिए मैं बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आप होटल बुक करते हो, राइट, तो हमेशा ट्राई करो कि आप उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग कर लो, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टीज जो भी होती है उनका ब्रेकफास्ट बुफे काफी ह्यूज होता है, और आप वो ब्रेकफास्ट कर लोगे ना तो आपको मुझे लगता है लंच की कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो ब्रेकफास्ट होता है वो 10:30 बजे तक होता है, और 10-10:30 के बीच में अगर आपने वो ब्रेकफास्ट किया है इतना हैवी, तो इट काउंट्स एज अ ब्रंच, और आप आफ्टरनून में कहीं भी घूमते फिरते हुए थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हो, निक एंड नैक्स, बट आपको लंच की, प्रॉपर लंच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस अमाउंट में वो आपको ब्रेकफास्ट देते हैं उस अमाउंट में तो ऑब्वियसली आप बाहर उतना ह्यूज स्प्रेड कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वाला बुकिंग, एंड दिस विल बी डेफिनेटली प्लस इन योर स्टे। ये चीज जो कि मैं हमेशा जो है ध्यान रखती हूँ, और हमेशा ऐसा ही मैं बुक करती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू इंक्लूड दिस। एंड वन मोर थिंग, और इसी के साथ, अगर आप जैसे किसी विला में रह रहे हो तो वहां पर डेफिनेटली आपको एक किचन मिलेगा, और उस किचन में यू कैन कुक फॉर योरसेल्फ, तो आप बेसिक ग्रोसरी लाइक अंडा, ब्रेड, फ्रूट्स, ये सब ला सकते हो और ब्रेकफास्ट खुद के लिए खुद ही बना सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन, आप सुबह घर से निकलने से पहले, कहीं घूमने जाने से पहले अपना खुद का ब्रेकफास्ट खुद से बनाया हुआ खा पी कर निकलो, और उसके बाद दिन आगे का जो है वो बाहर जाके स्पेंड करो, बाहर खाओ पियो ऐश करो। सो इस तरीके से यू कैन सेव अ लिटिल बिट, एंड या आपके लिए काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होगा। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो ट्राई दिस थिंग्स आउट, और मुझे पता है यू विल थैंक मी लेटर। तो यहां तो मैंने कवर कर लिया अकोमोडेशन एंड फूड की चीजें, एंड
फूड और ये सारी चीजों में ना मैं एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ कि ऑलवेज बाय फ्रॉम लोकल्स एंड ऑलवेज ईट व्हाट लोकल्स ईट. ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था एंड कुछ लोगों ने शायद नोटिस किया था, कुछ ने नहीं किया था, बट ये मैं अगेन बोलना चाहती हूँ कि जब आप किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने गए हो तो जहां पर लोकल लोग सबसे ज्यादा खाते पीते हैं ना, वहां जब आप जाकर कुछ खाओगे ना तो आपको वहां का लोकल टेस्ट जो है वो पता चलेगा. अदरवाइज इफ यू विल गो टू अ एनी काइंड ऑफ अ कैफे और रेस्टोरेंट जो कि हमारे शहरों में भी अवेलेबल होता है, अगर आप वहां जाकर खाओगे पियोगे तो आपको टेस्ट में कुछ खासा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा और फिर आप बोलोगे हाँ इससे अच्छा तो हमारे शहर में मिलता है. तो भाई आपको गेटवे देखना है तो आप मुंबई जाओगे ना, वैसे ही अगर आपको वड़ा पाव ओरिजिनल ऑथेंटिक खाना है तो आपको मुंबई में मिलेगा. आपके यहाँ पे जो मिल रहा है वो ऑथेंटिक कितना भी कर लो वो नहीं होगा. ये तो एक एग्जाम्पल था, बट ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो लोग नहीं समझते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हम यहाँ पे गए थे तो वहां का वो टेस्ट नहीं मिला हमें, इससे अच्छा तो हमारे शहर में मिलता है. तो ऑलवेज ईट व्हाट लोकल्स ईट और ये चीज हमेशा ध्यान रखो. तो या दिस थिंग कवर्स अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीजें कवर हो गई है. ओके, सो व्हाट आई डू इज कि जब मैं अकेली हूं, मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूं, तो आई ट्राई टू ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, शेयर्ड कैब, इस तरीके की चीजें चलती रहती है, वो आप बुक कर लो, उससे आप चले जाओ. एंड अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, बड़े आत्मनिर्भर टाइप के हो आप, अपना ही खुद ड्राइव करना चाहते हो, तो गो फॉर स्कूटी, साइकिल और बाइक रेंटल पे. और ये ऑप्शंस मुझे लगता है हर टूरिस्टी प्लेसेस पे अवेलेबल है और गोवा में तो ये इजीली अवेलेबल है. लाइक 400-500 में आपको पर डे स्कूटी बाइक मिल जाता है और आप आराम से उसमें पेट्रोल डलाओ और जहां घूमना है वहां घूमते रहो. इवन मैं गोवा जब गई थी लास्ट टाइम तो आई वेंट टिल पंजिम, लाइक स्कूटी में गोवा, नॉर्थ गोवा से पंजिम तक मैं गई थी और मैं पूरा घूम कर आई थी एक दिन में. तो इस तरीके से आप भी इजीली यू कैन रेंट अ स्कूटी और बाइक और उसमें आप आराम से पूरा दिन एक्सप्लोर करो यार. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू कवर व्हेन इट कम्स टू अदर एक्टिविटीज. तो इस तरीके से आपको एक हेल्प हो जाती है, बहुत ही मेजर हेल्प हो जाती है जब आप बजट में ट्रेवल कर रहे होते हो कि आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और यू आर सेल्फ सफिशियंट. आपको वेट नहीं करना है किसी बस के लिए, आपको टैक्सी का वेट नहीं करना है, आपको ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने हैं, कुछ कम बजट में आप आराम से इसमें घूम फिर सकते हो. इस तरीके से यू कैन कवर सो मेनी एक्टिविटीज इन अ वेरी स्मॉल स्पैम ऑफ टाइम. आपके पास वीकेंड का सिर्फ टाइम है 2-3 दिन का, तो आप इस तरीके से बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड या इसी तरीके से यू कैन प्लान वेरियस ट्रिप्स अंडर 5,000 to 10,000. आप आराम से इंडिया में कहीं भी जाना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यू कैन प्लान अ ट्रिप अंडर द बजट. अपना बजट डिसाइड करो, उसके बाद जगह चूज करो, उसके बाद बुकिंग करो एंड गो फॉर इट. सो या दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू इंक्लूड इन दिस वीडियो. होप यू गाइज फाइंड इट हेल्पफुल. और अगर आपको इसमें कोई चीज पे डाउट है और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम. एंड या मैं चाहूंगी कि आप और मैं इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाए, तो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज wanderlust_himani. टू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, मैं बहुत ही काफी ज्यादा एक्टिव हूँ इंस्टा पे. तो लेट्स चिट चैट ओवर देयर. अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते.